तो मेरे पास ना बहुत लोग आते हैं कि भैया यूट्यूबर बनना है यूट्यूबर बनना कुछ हेल्प करो मैं कहता हूँ भैया पहले तुम खुद की तो हेल्प करो तुमने तीन महीने में दो वीडियो डाली है तुम खुद के लिए तो सीरियस हो नहीं मैं तुम्हारे लिए क्यों सीरियस हूँ अर्श की भी अगर हम बात करें वो भी ट्रबल सीकर टीम एक यूट्यूब चैनल था प्रैंक्स बनाते थे उसमें उसने काम किया है वहाँ प्रैंक्स करते थे वो और प्रतिष्ठा दोनों अच्छा इतने अच्छे से यूट्यूबर्स को तो जानते हो इतने टाइम से काम कर रहे हो सच से बताना यूट्यूबर्स एक महीने में कितना कमा लेते हैं किसी आप अगर ऑडियंस को जानना है ना कि एक यूट्यूबर कितना कमाता है आप उनके जहाँ मंथली व्यूज़ जाके चेक कर लो सोशल मीडिया पे जिसके मंथली व्यूज हंड्रेड मिलियन है तो कम से कम उसके 70000 डॉलर आ रहे होंगे yeah. कभी ना कभी मिलती है लोगों को 7-7 साल बाद में सक्सेस देखी है। 7 से 7 साल बाद सक्सेस मिली उनको 7th था ना वो हाँ, वो सही <laughs> बात <बारे laughs> <कौन कोई> <laughs> है बताऊंगा कौन गए पॉइंट पे देखोगे क्या 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 ऑब्जर्वेशन है मेरी <laughs> तो मेरी एकदम से मुंह से निकल गया 7 तो नकशी जी आप देवी हो थैंक यू सर थैंक यू हाय गाइस दिस इज सोनाक्षी कार्रा और आज मैं बैठी हूँ उनके साथ या कहूँ उनके ऑफिस में ही बैठी हूँ जिनका बहुत सारे इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स की जर्नी में उनके सक्सेस में हाथ है जैसे कि बकलोल वीडियो रचित रोजा जिनका रिसेंटली आप सबने इंटरव्यू भी देखा और सेवेंजर्स एंड इनफैक्ट बहुत सारे मुझे लगता है कि लिस्ट बहुत लंबी है मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगी ना मुझे सबके नाम याद है आई एम सो सॉरी आशीष दिस इज आशीष सोशो पूल के फाउंडर एंड सीईओ सो हाउ हैव यू बिन अच्छा है अभी तक मज़ा आ रहा है हमें और मुझे सात साल हो गए इस करियर में स्टार्ट आई थिंक सात आठ साल हो गए आठ साल हो चुकी है मुझे इस करियर में आए हुए और मैं कम्प्लीटली एक डिफरेंट बैकग्राउंड से था आई वॉज़ फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड और मैंने ये क्रिएटिव इंडस्ट्री में जब आया तो बड़ा अलग हो गया मेरे लिए लेकिन आई एम इट बट मजे आ रहे हैं बहुत मजा आ रहा है वहाँ पे फाइनेंस में क्या होता है सारा दिन टैली चलाना होता था डेबिट क्रेडिट करना होता था अब यहाँ पे इसकी उसकी ये करना होता है सही बात है अच्छा कितने सारे यूट्यूबर्स की जर्नी को अपने सामने देखा है आपने? कोई नंबर होगा मोस्टली ये लगा लो यार 500 से ज्यादा यूट्यूबर्स की जर्नी तो मैं अपनी आंखों के सामने देख चुका हूं। मुझे पता है जिनसे मैं बात भी कर चुका हूँ बातें भी की है कि उनकी लाइफ में कब डाउन फेस आया कब अप फेस आ रहा है लोगों के स्ट्रगल सब देखे है मैंने तो कुछ बात लोग बात ऐसे है जो बेचारे एक टाइम पे बहुत स्ट्रगलिंग कैसे कैसे नाम बताऊंगा यार स्वेगर आप देख रहे हो उस बंदे ने कितना स्ट्रगल किया हनी के हनी शर्मा के साथ किया उसके बाद अमित पठान के साथ किया आज खुद का अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है

अब सोशियो पुल का काम ऐसा है कि हमारा टाइम टू टाइम भी ना काम थोड़ा चेंज होता रहता है क्या होता है ना कि जैसा टाइम जैसी डिमांड वैसे हम काम कर लेते हैं जैसे हमने जब करियर अपना स्टार्ट किया था सोशियो पुल में दैट टाइम वी वर इन वायरल मार्केटिंग हम उस टाइम पे वायरल मार्केटिंग करते थे वायरल मार्केटिंग कैसी होती थी कि मीम्स के थ्रू वायरल करते थे किसी भी ब्रांड कोई कोई ब्रांड आया तो हम मीम्स के थ्रू उनको वायरल करते थे तो हमारा फेसबुक पे क्या कहते हैं बैकअप बहुत अच्छा था फेसबुक पेजेस बहुत थे हमारे पास मीम पेजेस तो हम क्या करते थे जो फेसबुक पे क्रिएटर्स बने जो आज के टाइम पे यूट्यूबर्स है बहुत सारे उनको हम फेसबुक के थ्रू सपोर्ट भी करते थे जैसे उनकी कोई वीडियो है अब उनकी वीडियोस को हम मीम पेजेस पे भी डाल देते थे जिससे क्या होता था वो वीडियोस और वायरल होती थी अब उससे क्या होता था उनको फेस वैल्यू मिलती थी सोशल मीडिया का सारा गेम फेस वैल्यू का भी है कि जितना आपका फ़ेस नॉन होगा उतने आपके व्यूज़ और ज़्यादा आएंगे तो हम वहां से हेल्प करते थे उसके बाद धीरे धीरे हमने और चेंज किया हम यूट्यूब पे गए हमने क्या किया अब नए नए और क्रिएटर्स आने शुरू हुए अब उनके पास क्या? करते और मैं एक बात बोलू तो वैसे मोस्टली जो क्लास फैमिली से उठ के आए हैं नाइन्टी नाइनटी सेवन परसेंट मैं ये बोलूंगा डेली वाले तो जनरली मैं जिसको जानता हूँ कोई भी ऐसा नहीं है कि जो रिच क्लास फैमिली से आया हो तो सब बड़े लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आए तो फैमिली सपोर्ट तो वैसे ही नहीं था नहीं। उनको यूट्यूबर बनना था तो हमने वहाँ पे उनको सपोर्ट किया जैसे कैमरा में उनको सपोर्ट किया एडिटिंग में उनको सपोर्ट किया और जो भी फाइनेंशियली भी अगर उन्हें कभी कुछ जरूरत पड़ती थी हम वहाँ उन्हें सपोर्ट करते थे तो वहाँ पे वो था और उसके बाद धीरे धीरे अब टाइम और बदल गया अब क्रिएटर्स और बिल्ड हो गए लोग खुद भी बड़े होने लग गए लोगों ने सीखा खुद ही बहुत चीज़ों को तो अब हम क्या हो गए कि प्रोडक्शन के साथ साथ अब हम मैनेजमेंट भी उनके ध्यान देते हैं उनकी पीआर में ध्यान देते हैं कि कैसे उनको अच्छी पीआर मिल सके कैसे वो आगे बढ़ सके

हम हर महीने अप्रोक्स थाउजेंड से ज्यादा एक, एक था जब बीक पे थी हमारी इंडस्ट्री, कैसे लगता है कॉमेंट में भी आने वाला है, कि यूट्यूबर बनते कैसे है देखो यूट्यूबर बनने के लिए देखो सबसे पहले हमेशा मैं बोलता हूँ की एक तो ना आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए कि भैया यूट्यूबर बनना है जैसे मैं बताता हूँ मेरे पास ना बहुत लोग आते हैं कि भैया यूट्यूबर बनना है यूट्यूबर बनना कुछ हेल्प करो मैं कहता हूँ भैया पहले तुम खुद की तो हेल्प करो तुमने तीन महीने में दो वीडियो डाली है तुम खुद के लिए तो सीरियस हो नहीं hmm. मैं तुम्हारे लिए क्यों सीरियस हूँ तो ये चीज़ ये है कि सबसे पहले तो डेडिकेशन चाहिए अगर आपको एक्चुअल में यूट्यूबर बनना है ना अरे भैया दिखाओ तो सही एक साल तुमने डेली वीडियो डाली है या हर हफ्ते तुमने एक वीडियो अपलोड करी है अब तुम छः छः महीने में वीडियो डालोगे तो वो नहीं कर पाओगे सेकेंड पॉइंट ये है कि डेडिकेशन तो हो गई सेकेंड की टीम लोग अपना टीम बिल्ड नहीं करते लोग क्या करते हैं कि यार

सब दोस्ती होते हैं अब लोग दोस्तों से ही लड़ बीच हो रहा है कि भाई मेरा कितना तेरा कितना अब वो कह रहा है कि भाई सारा हिस्सा क्योंकि आइडिया मैंने सोचा था वो कह रहा अच्छा यार एक बात है शूटिंग तो मैंने भी की तो हजार रुपए दूंगा बस मतलब अब ऐसी ऐसी डिस्प्यूट्स आने शुरू हुआ है जो मैंने सुने हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे

कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स होते हैं कि इतने के के बाद uh, वो आपकी कंपनी साथ नहीं ऐसा कुछ हमारा मतलब कोई वो नहीं है बेसिकली क्या है हमें बंदा पसंद आना चाहिए अगर हमें लगता है ना कि किसी के साथ हमारी वाइब्स मिल रही है हमें लग रहा है कि यार ये बंदा बहुत टैलेंटेड है इसको अगर सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा सिर्फ हम तभी करते हैं वरना क्योंकि अब तो हर गली में एक यूट्यूबर है यार ऐसे तो अगर हम ऐसी क्योंकि हम कोई पेमेंट नहीं लेते हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम आपसे चार्जेस ले रहे हैं हम आपसे पैसे ले रहे आओ हमारा कोर्स खरीदो या हमें ज्वाइन करो इतनी फीस लगेगी ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हम लिमिटेड लोगों को तो दे सकते हैं ना तो हम उसमें टैलेंटेड लोग ढूंढते हैं कि अगर किसी के पास सच में अच्छा टैलेंट है तो हम उसको कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली भी करेंगे मॉरली भी करेंगे कॉन्टेंट वाइज भी करेंगे हर चीज़ में करेंगे ओके okay, ओके okay. अच्छा कितने से कितने तरह के या फिर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के यू नो कॉन्टेंट क्रिएटर्स आपके पास अभी होंगे यार मेरे पास होंगे जीरो से लेके मिलियंस तक सभी हैं अब आज के टाइम पे देखो मैं सबके साथ ही काम कर चुका हूँ अगर बात करें इंडस्ट्री में भवन भाव उनके साथ मैंने कोई डील्स करी है <laughs> आशीष इंशलानी के साथ बहुत सारी डील्स करी है कैरी के साथ करी है तो सबके साथ ही किया मैंने काम ऐसा कोई मेरे हिसाब से कोई क्रिएटर नहीं है इसके अगर मैंने काम ना किया हो तो नंबर्स का तो यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं है सबके साथ ही कर चुका हूँ गौरतनीजा के साथ कर चुका हूँ फ्लाइंग बीच के साथ भी कर चुका हूँ

ज्वाइन करते हुए मतलब सही टाइम वैसे कुछ नहीं है देखो लोगों ने जब दो हज़ार दो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 2015 में सोचा कि अभी ज्वाइन कर लेते हैं बाद में कुछ हो ना हो लेकिन जिन्होंने जो अब भी आ रहे हैं वो अब भी चल रहे हैं मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे आप ऐसे ऐसे यूट्यूबर देखोगे ट्रक चलाते हैं वो व्लॉग्स बना रहे हैं वो अपनी ट्रक लाइफ दिखा रहे हैं ट्रक की जर्नी दिखा रहे हैं एक बंदा है लेबर है वो झुग्गी में रहता है वो अपने झुग्गी के व्लॉग्स दिखा रहा है वो चल रहे हैं तो कोई सही टाइम या कोई गलत टाइम नहीं है बट आप जब भी आओ आप डेडिकेटली अपने फोकस करो

बकलोल के साथ पता है मैं कैसे जुड़ा था कि बकलोल के साथ ये बात है दो हज़ार सोलह की फेसबुक पे उसकी एक वीडियो थी बहुत वायरल हुई थी तो हमारी टीम ने उन्हें कांटेक्ट किया था कि यार हमें आपके साथ काम करना है उस टाइम भी हम ब्रांड्स ही देते थे हमारा आज भी अगर इस इंडस्ट्री में सबसे कोर अगर हमें हम ब्रांड्स में सबसे कोर है मतलब जितनी भी एजेंसीज है सबसे ज्यादा ब्रांड वर्क हम ही करते हैं मार्केट में आज भी तो उस टाइम भी हमने ब्रांड के लिए उसे अप्रोच किया था ब्रांड से अप्रोच करते करते हमारा कनेक्शन अच्छा लगा

तो मुझे पता लगा कि हमारी टीम ना सेवेंजर्स के साथ बहुत सारे कैंपियंस कर रही है अच्छा मैंने कहा हम से, इस, मैं ऐसी वीडियो देख रहा था तो मेरी टीम में दीपिका थी उसने बोला कि सर इनके साथ तो हम भी वीडियो आ, हमारी भी स्पॉसर्ड वीडियो आ रही है मैंने कहा क्या बात कर रही इनके साथ भी मैंने कहा यार ये तो बढ़िया कर रहे हैं मैंने कहा कर, काम करो बात कराओ मेरी तब उन्होंने मेरी उनसे बात कराई हमारी आपस में बात हुई मैंने कहा मिलते हैं मिलके मैंने कहा ना आनी बहुत जरूरी है मिलके मुझे उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब आई उन्हें मुझसे मिलके बहुत पॉजिटिव वाइब भाई, भाई तो उन्हें कहा साथ में काम करते हैं कह रहे ठीक है भैया हम साथ में काम करते हैं तो उनके लिए मैं एक बड़े भाई की तरह उनकी टीम में छह लोग हैं सातवां मैं हो गया अब अच्छा के साथ यही है <laughs> कुछ कंटेंट में कराया था जब सेवेंजर्स के साथ जुड़े नहीं यार कंटेंट भी उनकी चेंज कर... हाँ लेकिन मैंने उनके कंटेंट में एक पुश किया अच्छा। कि लॉन्ग फॉर्मेट पे बहुत फोकस करो मैं उनको लॉन्ग फॉर्मेट पे बहुत फोकस करने के लिए पुश करता रहता हूँ वो कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा मतलब इतने ज्यादा वो नहीं थे कि लॉन्ग लॉन्ग कंटेंट को ज्यादा सीरियसली नहीं, नहीं, ले रहे थे अच्छा। मतलब कर तो रहे थे लेकिन मैंने उनको बहुत पुश करता था हूँ आज भी हमारी अभी रिसेंटली भी डिस्कशन नहीं हो रहा था की लॉन्ग पे जाए शॉर्ट पे जाए तो हमारा ये है की भैया शॉर्ट तो करो ही करो आप लॉन्ग भी करो अच्छा। तो एक म्यूचुअल डिस्कशन है ये वॉट अबाउट रचित रोजा क्योंकि रिसेंटली मैंने रचित रोजा का इंटरव्यू लिया और उन्होंने बहुत ही ब्लंटली और बहुत ही रॉ तरह से मुझे बताया कि स्टार्टिंग में तो उनके चैनल पर बहुत टाइम तक व्यूज ही नहीं आते थे और उन्होंने मुझे बोला भी था इंटरव्यू में और दैट्स दैट ऑल्सो वन ऑफ द रीजन की मैं चाहती थी कि मैं इंटरव्यू लूँगा आपका उन्होंने बोला भी कि जब से सोशो ने चीज़ें हैंडल करना शुरू किया तो मुझे लगा कि शायद अब मुझे बूस्ट मिलने लगा है चीज़ों में देखो मुझे याद है कि रचित ना फर्स्ट टाइम जब हमारे ऑफिस आया था कि वो मेरे बर्थडे पे मिला था मुझे मेरा बर्थडे वाला दिन था उस दिन तो उस दिन वो मुझसे मिला था तो बच बहुत छोटा था यार एज में बहुत छोटा थे बच्चा ही था कॉलेज में आया था तो हमारे लिए तो बच्चा ही हो गया तो तब तो वो मिला था सिंपल सा सीधा साधा सा लड़का तो उसको ये था कि कुछ बनना है भैया कुछ बनना है तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम आओ डेली ऑफिस आना स्टार्ट करो वो मैंने प्रोडक्शन हाउस बना रखा था कि वहाँ पे ना सबको कुछ ना कुछ सपोर्ट करते थे तो मैंने कहा तू आ यार आके बैठ पहले दूसरों की टीम्स में काम कर सीख तो उसने स्टार्टिंग में क्या दूसरों की टीम्स ज्वाइन की अच्छा जैसे एक विराट बेनीवाल था ठीक है ऐसे राहुल शर्मा करके था कुछ लोग और थे बहुत सारे लोग थे बकलोल की भी टीम ज्वाइन की सबकी टीम से ज्यादा के ना एक्टिंग करना स्टार्ट किया टीम मेंबर कभी किसी का कैमरा पकड़ रहा है किसी के लिए एडिटिंग कर रहा है तो ये सब उसने काम बहुत किया धीरे धीरे फिर उसको ये हुआ कि अपना भी कर रहा हूँ तो फिर मैं भी इसको साथ में कि मैंने कहा चल ठीक है ये कंटेंट बना ले बना ले तो हम आपस में डिस्कशन करके कुछ ना कुछ वो बना लेता था एक दिन उसकी एक वीडियो चल गई देसी वाली क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्या था कि मैं ना पहले फेसबुक पे कुछ कॉन्सेप्ट बना रहा था कि लोग ना देसी बहुत बना रहे थे तो हमने सोचा था कि देसी में लव स्टोरी कोई नहीं बना रहा तो हमने फेसबुक पे एक दो वीडियो ऐसी डाली थी और चली थी तो रचित का मैंने डिस्कशन था तू बना के देखे यार मैंने कहा क्या पता चल जाए तो उसने बनाया और चल गई उसके बाद फिर रुका ही नहीं फिर वो रुका ही नहीं फिर वो चलता ही रहा फिर उसकी हर वीडियो चलती गई

उसमें उसने काम किया है वहाँ पे प्रैंक्स करते थे वो और प्रतिष्ठा दोनों अच्छा यूट्यूबर्स की अगर मैं बात करूँ इतने सारों को देखा इतनों इतनों के साथ काम किया लेकिन पर्सनली किसकी जर्नी सबसे इंस्पायरिंग लगती है पर्सनली यार पता है सच सच बताऊँ सबकी इंस्पायरिंग है हर किसी यूट्यूबर की एक स्टोरी है और हर यूट्यूबर की स्टोरी में एक दर्द है किसी ने कुछ ना कुछ तो झेला है और किसी ने बहुत कुछ झेला है तो मतलब सबकी है यार मैं किसी का भी उठाऊं कोई भी ऐसा नहीं है जो बड़े प्यार से यूट्यूबर बन गया हो आजकल के थोड़े बहुत बन गए होंगे जो नए जिनके क्योंकि आजकल सीन अलग हो गया आज है आजकल क्या फैमिली सपोर्ट कर रही है बेटा बोलता है मम्मी यूट्यूब पे वीडियो बनानी है ठीक है बेटा जा कैमरा लिया छोटे छोटे बच्चे हाँ बना रहे यार। तो आजकल की फैमिली सपोर्ट कर रही है क्योंकि फैमिलिया देख रही है क्योंकि फैमिली या कौन है वो जो पहले यूट्यूब पे वीडियो देखते वो देखते थे बंदे कहाँ से कहाँ पहुंच गए पहले इनके पास गाड़ियां नहीं थी अब सब पे मर्सिडीज है या लग्जरी गाड़ियां हैं तो ये बड़ा फर्क आ रहा है देखने में

सी ए कर रहा था तू सी ए क्या कर रहा है हाँ। क्या है हमें डिग्री चाहिए बेटा डिग्री लेके ऐसी कैसे बताऊं कि भैया ये फ्यूचर है लेकिन मैंने समझाया इसलिए स्टार्टिंग में ना रेवेन्यू नहीं था यहाँ पे यहाँ का रेवेन्यू मॉडल बहुत स्लो था तो फैमिलीज को सबको जब मेरे को इतनी दिक्कत आई थी स्टार्टिंग में समझाने में तो सोचो यूट्यूबर से कितनी आ रही होगी मैं तो एक बिजनेसमैन मैन के तौर पर था ना जबकि मैं तो फर्स्ट डे से अर्निंग था मैं लेकिन वो लोग तो अर्निंग भी नहीं थे ना उन्हें तो अर्निंग में आने में दो दो साल लगे हैं आपने खुद भी देखा है यूट्यूबर्स का ऐसा ऐसा बहुत ज्यादा यार रातों रातों रात तो रात वायरल हुए हैं लोग रात तो रात हुआ है कि छह छह साल से लगे हुए हैं कुछ नहीं हो रहा रात में एकदम अभी मैं एक, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ अभी एक लड़का है निशांत चतुर्वेदी वो सात साल से लगा हुआ है उसका बेचारे कुछ चल ही नहीं रहा था अभी रिसेंटली क्या हुआ दस दिन पहले उसके इंस्टाग्राम पे सिर्फ ग्यारह हजार फॉलोअर्स थे और आज उसके एक हजार है। मेरे भी <laughs> आपने मुझे अपने <laughs> तो के ना थे सिर्फ दस दिन में उसके एक लाख साठ हजार हो गए मतलब डेढ़ लाख फॉलोअर्स सिर्फ दस दिन के अंदर आ गए क्योंकि एक ही इतनी वायरल चलेगी कि फिफ्टी थ्री मिलियन व्यूज हो गए मुझे लगता है हर यूट्यूबर की में कोई एक एक हाँ, है। और वो एक वायरल चाहिए क्यों? क्या हो गया ऑडियंस आपके पेज पे आने शुरू गई। और आपके सारे कॉन्टेंट को लोगों ने देखा और आपका जब कॉन्टेंट अच्छा होता है ना तो आपको लोग सब्सक्राइब करते जाते हैं अच्छा इतने अच्छे से यूट्यूबर्स को जानते हो इतने टाइम से काम कर रहे हो सच सच बताना यूट्यूबर्स एक महीने में कितना कमा लेते होंगे बहुत कमाते हैं यार बहुत कमाते हैं मतलब डिपेंड करता है हर हर किसी क्रिएटर का अलग अलग है व्यूज़ का है मैं आपको बता देता हूँ आप हिसाब लगा लो अगर किसी आप अगर ऑडियंस को जानना है ना कि एक कितना कमाता है आप उनके जहाँ मंथली व्यूज़ जाके चेक कर लो सोशल मीट पे जिसके मंथली व्यूज़ हंड्रेड मिलियन है तो कम से कम उसके सत्तर हज़ार डॉलर आ रहे होंगे तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लो आप जिसके हंड्रेड मिलियन व्यूज़ हैं साठ से सत्तर हज़ार तो आराम से आ जाते हैं बहुत सारे ऐसे जिनके 200 मिलियन 300 मिलियन तो लगा हाँ, अगर आप है। तो वो उतनी स्पीड से डाउन भी चला जाएगा क्योंकि रीजन क्या होता है कि आप एक वीडियो डाल रहे हो खाली आपकी उस वीडियो पे व्यूज नहीं आते उस वीडियो की वजह से आपकी जितनी पुराना कंटेंट है ना सब पे व्यूज आता है तो आपकी एक वीडियो से सारी सारी वीडियोस चलनी शुरू हो जाती हैं तो इसलिए कंसिस्टेंट जैसे आप वीडियो डालनी बंद करोगे आपकी पुरानी वीडियो व्यूज आने बंद हो जाएंगे क्योंकि यूट्यूब का एक है, आपके सब्सक्राइबर से व्यूज नहीं आते सब्सक्राइबर तो सिर्फ 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 एक एक दिखावा दिखावा है है मेन रिकमेंडेशन से चलता है YouTube पे सारा रिकमेंडेशन एक वीडियो से दूसरी वीडियो दूसरी वीडियो से तीसरी वीडियो ऐसे सपोर्ट में चलती है आप कभी भी देखना आपने कभी एक बार किसी चैनल को आप सब्सक्राइब मत करो बस उसकी वीडियो को भी सर्च कर लेना या देख लेना एक बार आपको उसके आधा आपको यूट्यूब की होम स्क्रीन पे उसी की वीडियोस दिखती रहेंगे उसमें आपको सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते रहते हैं कि मेरी नोटिफिकेशन नहीं जा रही सब्सक्राइबर्स के पास भैया आप गलत दिशा में भाग रहे हो सब्सक्राइबर्स के लिए आपको काम नहीं करना सब्सक्राइबर्स ठीक है आपको एक वो नंबर दिखा रहे हैं कि आ, आपके इतने फैंस है यूट्यूब ये दिखा रहा है मेन वीडियो पे व्यूज आपके रिकमेंडेशन से ही आते हैं एक दूसरे की रिकमेंडेशन से इसलिए हमेशा आपने देखा होगा लोग ना वायरल टॉपिक्स पे ज्यादा कॉन्टेंट बनाते हैं आपने कभी भी किसी को वायरल होता है देखा होगा ना

रीजन क्या है इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये ना ये क्लिकबेट टाइटल्स है क्लिकबेट के बोलते हैं इनको क्योंकि ये ना भी सर्चिंग में चल रहे हैं यूट्यूब पे तो कोई भी अब इनके ऊपर बनाएगा ना तो इनकी वीडियोस और ज्यादा रिकमेंडेशन में चली जाती है देसी हाँ, देसी मॉम डैड ये यही चीज तो समझ नहीं है आपको जब आप कॉन्टेंट बनाने जा रहे हो आपको यही चीज समझ रही है की अभी क्या ट्रेंड चल रहा है आप ये सोचो ना एक आई का ट्रेंड था आई की वीडियोस खूब बनती थी वो ट्रेंड था 2017 का लेकिन आज अगर आप आई के ऊपर कुछ वीडियो बनाओगे वो नहीं चलेगी

और मेरा रखने का मन नहीं कर रहा फोन uh, This happens. I think this happens with everyone. Everyone, जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, मैं कह सकती हूँ, ये सबके साथ होता है. Uh, Instagram reels और YouTube shorts, ये बहुत ही addictive होते हैं, no doubt. अच्छा, guys, मिली हैं इनसे? ये है वो जो यूट्यूब घोल के पी चुके हैं जितनी एक्सपर्ट तरह से ये के बारे में बोल रहे हैं वो क्लियर दिखा रहा है कि कितना एक्सपीरियंस है और की एक बताओ कि कोई ओवर हेडेड यूट्यूबर लगता है के लगता था की शायद नहीं चलेगा बट वो बहुत चला है बहुत सारे है, नाम नहीं ले सकते नाम नहीं ले सकते ले लो ले लो अरे नहीं ले सकते देखो सभी अपने भाई होते सभी दोस्त एक इंडस्ट्री में एकलोता इंसान ऐसे होगा जो मेरे कोई दुश्मन नहीं होगा सभी दोस्त हैं oh. जनरली क्या होता है यूट्यूबर्स में आपस में कोई ना कोई किसी से ग्रजेस होते हैं मेरे से किसी के नहीं मिलेंगे मैं सबका दोस्त हूँ सबका भाई हूँ ओके टॉप 5 यूट्यूबर्स बता दो अपनी नजर ठीक है सेकंड आशीष थर्ड हर्ष फोर्थ राउंड 12 फिफ्थ एवेंजर्स

आप एक बात देखो कोई भी वेब सीरीज सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी होती है जिसमें गालियां होती है मिर्जापुर दबा के जि, जितनी भी पॉपुलर वेब सीरीज उठा लो सब में गंद भरक। गंद भरक मतलब हम बोलते हैं एक्चुअली लेकिन ठीक है है वो content है, ये मेरा शब्द गलत होगा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि गंद मुंह से निकल गया लेकिन गालियां भरी पड़ी है सब सबने क्योंकि लोगों को मजा आता है गालियां देखने में आप वो देखो ना यार वो एक हमारी वो, कौन सी वूल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी सबने देखी होगी क्यों

और जो लोग टीवी देखते हैं वो भी यार यूट्यूब जाते हैं स्मार्ट टीवीज आए हुए हैं तो हर दूसरे दिन आपको नए क्रिएटर के बारे में पता चलता है और एक बार एक वीडियो क्लिक कर गई आपके दिमाग में तो आप उसी टाइम सब्सक्राइब कर लेते हैं भाई देखनी है इसकी वीडियो है बाकी सबकी बात कर ली अपने यूट्यूब चैनल बता दो उसका क्या है वो भी कोई प्रोसेस में है क्या है? है मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि यार तुमने इतने के चैनल बना दिए हाँ। खुद को बना भाई खुद के लिए टाइम ही नहीं है सच बता रहा हूँ मैं कई बार सोचता हूँ मैंने कई बार ट्राई किया अपना खुद का चैनल बनाने के लिए दो वीडियो बना लेता हूँ तीन वीडियो बना लेता लू फिर मैं दो महीने के लिए गायब हो जाता हूँ मैं कहता रहा हूँ कंसिस्टेंसी चाहिए भैया कई लोग मुझे कहते हैं कि भैया छह महीने में एक वीडियो डाली मेरे को वीडियो बना है मैं खुद को तो बना नहीं पा रहा तो मैं बना दूंगा कंसिस्टेंसी चाहिए मैं खुद के लिए कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा इस बार मैं अभी ऐसे अपना खुद का एक नया टॉक शो स्टार्ट कर रहा हूँ तो जिसमें मैंने एक्चुअली क्या है कि कुछ यूट्यूबर्स को लाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये ना इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है ये खाली यूट्यूबर्स तक नहीं रहेगी ये कंटेंट क्रिएटर्स इंडस्ट्री बनेगी अपने आप में प्रॉपर तो मैं कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाऊंगा कुछ अच्छे अच्छे उनके साथ डिस्कशन करूंगा क्या क्या उनकी लाइफ में कमियाँ थी जो जो उन्होंने कवर करी तो उसके ऊपर मेरी वीडियोज़ आएगी मैं पूरा अभी सीजन निकालूंगा जिसमें मैं अभी तक पाँच वीडियो शूट कर चुका हूँ हाँ अभी दस बारह वीडियो शूट करके इकट्ठी एक साथ ही निकालूंगा

All, always you know wanted to be, but क्या होता है ना हर तीन महीने में कभी ना कभी एकदम कुछ जागता है यार ये बनाता हूँ एक दो वीडियो बनाऊंगा आप मेरे चैनल पे आगे देखो ना हर तीन महीने चार महीने बाद एक कॉन्टेंट डला हुआ कुछ ना कुछ अलग ही डला हुआ है हर बार कुछ अलग बनाऊंगा सोचता हूँ ये कंटेंट फॉलो करूंगा तीन वीडियो बनाता हूँ उसके बाद फिर गायब हो जाता हूँ पैसे से बड़ी कोई माया नहीं है कोई ना कोई मेरे पास प्रोजेक्ट आता है मुझे आ। लगता है की यार यहाँ पे बनाऊंगा अभी दो महीने छह महीने लगेंगे स्ट्रगल में यहाँ तो पैसा भी इंस्टेंट आ रहा है ना पहले प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं काम कर लेते हैं फिर बाद में करेंगे ये बात भी सही वैसे होता है कांट ब्लेम यू फॉर दैट क्योंकि रीजन क्या है ना पूरा बिजनेस सेटअप है तो जनरली मैं एक चीज और कहता हूँ जो मैं आपको एक चीज बताना भूल गया अगर आपको यूट्यूबर बनना है ना तो आपको फुल टाइम यूट्यूब करना पड़ेगा वो वक्त गया लोग पार्ट टाइम करते थे अच्छा। लोग कहते हैं कि मैं जॉब के साथ यूट्यूब कर लूं बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग वो है नहीं हो पाता नहीं हो पाएगा हो ही नहीं पाएगा क्योंकि यूट्यूब फुल टाइम मांगता है क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और आई थिंक दैट वॉज वेरी फुलफिलिंग ऑल्सो और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए ये वाली एडवाइस उन्होंने दी है कि यूट्यूब करना है तो भाई बाकी से छोड़ो और फिर यूट्यूब पर ही फोकस करके कंसिस्टेंटली करो क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लगता है ग्रोथ मिल जाती है सबको कभी ना कभी तो मिली कभी ना कभी मिलती है लोगो को सात सात साल बाद <laughs> पॉइंट में ना <laughs> क्या क्या वेरी मच फॉर टाइम से, से, से तो तो you, <laughs> uh, मुझे बात द वेरी बेस्ट कैसे काम करते रहिए और बढ़िया बढ़िया कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर आइए हमारे लिए अरे बिल्कुल लाएंगे अभी बहुत कुछ ठीक है चलो थैंक यू वेरी मच